अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिन अबीद और हम पढ़ते हैं डीएसपी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम बेसिक सिस्टम्स और सिग्नल्स पढ़ेंगे, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक सिग्नल्स, यानी कि कौन कौन से बेसिक सिग्नल हमें पता होने चाहिए और वो कैसे उनका ग्राफ होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब यूनिट इम्पल्स फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, कोई भी फंक्शन जो कि सिर्फ जीरो पे वैल्यू दे, ठीक है, यानी टाइम जीरो पे कोई वैल्यू दे और उसके बाद वो कोई वैल्यू ना दे, उसे कहते हैं इम्पल्स फंक्शन। अब जब हम पढ़े हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन, तो यूनिट का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वाई एक्सिस पे वो वन हो, यानी कोई भी सिग्नल जो कि सिर्फ जीरो पे वैल्यू दे और जीरो पे उसकी वैल्यू वन हो, उसे कहेंगे हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, यानी कि जो यूनिट इंपल्स फंक्शन होता है उसे हम इस तरह लिखते हैं कि x equals to 1, इनपुट की वैल्यू 1 होगी अगर टाइम जो है वो 0 है, और अगर कोई और टाइम है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, जैसा कि मैं आपको ग्राफ में दिखाया था, यानी कि टाइम 0 पे उसकी वैल्यू होगी 1। अब दूसरा इनपुट सिग्नल देखते हैं जो कि है यूनिट स्टेप। अब यूनिट स्टेप सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कि आपको 1 वैल्यू दे। यूनिट स्टेप ऐसा फंक्शन होगा जो आपको 1 वैल्यू देगा 0 या उससे आगे, यानी कि नेगेटिव टाइम में, प्रीवियस टाइम में आपको 0 वैल्यू देगा और उसके अलावा आपको 1 वैल्यू देगा, जैसा कि हम एक ग्राफ में आते हैं 0, 1, 2, 3 up to infinity, ठीक है। तो अब 0 से पहले जो वैल्यूज हैं वो सारी 0 होगी और 0 और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 1 होंगी। तो ऐसा जो सिग्नल होता है उसे हम कहते हैं यूनिट स्टेप। अगर हम सिर्फ स्टेप सिग्नल लें तो कोई भी सिग्नल जो 0 से आगे कोई भी वैल्यू देता है, फर्ज करें x वैल्यू दे, यानी कि यहां पे दे, तो उस सिग्नल को हम कहते हैं स्टेप सिग्नल। लेकिन यूनिट स्टेप का मतलब यह है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो, तो ऐसा जो सिग्नल होगा उसे हम कहेंगे यूनिट स्टेप। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, वन हो जब टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 हो ठीक है, जब हमारा टाइम 0 या उससे बड़ा होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, और जब हमारा टाइम बिलो 0 होगा तो 0 वैल्यू आएगी। तीसरा सिग्नल जो हम देखेंगे वो है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करे वैसे वैसे आपका सिग्नल इंक्रीज करे, यानी कि फर्स्ट करें 0 पे उसकी वैल्यू आती है 0, 1 पे टाइम 1 पे उसकी वैल्यू आ रही है 1, टाइम 2 पे उसकी वैल्यू आएगी 2, टाइम 3 पे उसकी वैल्यू आएगी 3, एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि वो एक लीनियर लाइन में इंक्रीज कर रहा है, ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं रैंप सिग्नल। तो हमारे लेक्चर में फिलहाल, क्योंकि हमने सिस्टम्स कवर कर लिए थे, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन हमने देखी, इनके ग्राफ देखे और इनकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी है। तो रैंप सिग्नल की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो होती है x = n, यानी कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा इनपुट सिग्नल इंक्रीज करेगा। तो हमारे लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।